गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, ए टू जे लर्निंग मीडिया प्रेजेंट्स यू मैथ्स क्लासेस बाय रंजीत कुमार। हेयर वी स्टडी अबाउट मैथमेटिक्स फॉर क्लास 12। योर फर्स्ट चैप्टर इज रिलेशन एंड फंक्शन। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ एक्सरसाइज 1.2। ड्यूरिंग डिस्कशन वी ऑलरेडी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। इन फ्रंट ऑफ अस क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द मॉडुलस फंक्शन एफ सच दैट आर इम्प्लाइज दैट आर गिवन बाई fx is equal to mod of x is neither 1, 1 nor onto, where mod x is x if x is positive as we know, or 0 and mod of x is negative if x minus x if x is negative। आप जैसा कि समझ गए हैं, जैसे कि मॉडुलस क्या फंक्शन होता है, f such that r tends to r given by fx is equal to mod of x। जब ये आपके कह रहा है कि ऑनटो हो, नहीं तो ऑनटो भी नहीं होगा और 1, 1 भी नहीं होगा और ऑनटो भी नहीं होगा, जहाँ पर आपका मोड ऑफ x x होगा जब x पॉजिटिव होगा या जीरो हो गया, उसी तरह से आपका मोड ऑफ x जो है नेगेटिव माने माइनस एक्स तभी होगा जब एक्स डिनोट करेगा नेगेटिव को। चलिए हम लोग को साबित करना है कि यह 1, 1 और ऑनटो दोनों के दोनों फंक्शन नहीं होगा। चलिए कैसे होगा, इसके लिए हम लोग आते हैं नीचे, देखते हैं आंसर में चलते हैं अपने, ठीक है। आंसर में आपका एफ सच दैट आर टेंस टू आर गिवेन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू mod of x is equal to x if x greater than is equal to 0 और minus x तब रहेगा जब smaller than x रहेगा। इस बात को आप समझ लीजिए। अब क्या है कि हम लोग चेक करते हैं, नेगेटिव वैल्यू लेते हैं f माइनस पे वैल्यू लेंगे मोड हो जाएगा तो पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, उसी तरह से हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तब तो पॉजिटिव रहेगा ही, कोई साइन में चेंज नहीं आएगा, यानी कि माइनस वन और वन पे वैल्यू एक ही था। लेकिन हम लोग ऐसे चेक करते हैं माइनस वन और वन एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो ये 1, 1 नहीं होगा, ऐसा साबित हुआ। नाउ कंसीडर माइनस वन एलिमेंट ऑफ आर, ध्यान दीजिएगा माइनस वन को हम लोग एलिमेंट ऑफ आर लिए हैं। इट इज़ नॉन एज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव होगा, दस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट एक्स इज डोमिनेट आर सच डेट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, ठीक है। तो ये आपका ऑनटो भी नहीं होगा, इसीलिए हम लोग मॉडुलस ऑफ फंक्शन को हम लोग कह सकते हैं आपके 1, 1 और ऑनटो दोनों के दोनों नहीं होगा। देखिए अभी एक बच्चे का मैसेज भी आया, बच्चे ने कहा कि सर आपने 1, 1 जो है वो बता दिया, 1, 1 है, लेकिन ऑनटो कैसे हुआ ये बताइए। तो इसको फिर से समझ लीजिए, हम लोगों ने क्या किया, माइनस वन को लिया एलिमेंट ऑफ आर, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे। अब क्या है कि इट इज़ नॉन दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स इज नॉट ओनली नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव को ही रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि मॉड लगा है तो भाई आप जानते हैं कि मॉड हटेगा तो फिर नेगेटिव साइन हट जाता है, जो नेगेटिव साइन है वो हटा दिए जाते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव साइन हट जाता है, दस देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट, कोई एलिमेंट एक्स नहीं होगा आर का सच दैट एफ एक्स मॉड ऑफ एक्स माइनस वन तो होबे नहीं करेगा, माइनस वन नहीं होगा, ये ऑनटो हो जाएगा, जो हम लोगों ने वैल्यू लिया है उसके बराबर तो वैल्यू आ नहीं रहा है,
जैसे मान लें कि वन देंगे तो वन होना चाहिए, तो माइनस वन लेंगे तो माइनस वन होना चाहिए, ऐसा इसमें फंक्शन में नहीं होगा। तो अब आप बात समझ ही गए होंगे कि ये जो फंक्शन हम लोगों ने मॉडुलस वाला फंक्शन लिया, आपको ध्यान रखना है हमेशा ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, वन वन और ऑनटो दोनों ही नहीं होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव इन फ्रंट ऑफ अस, क्वेश्चन नंबर फाइव, सो दैट द सिग्नम फंक्शन एफ आर सच दैट आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू वन इफ एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, जीरो इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, और माइनस वन इफ एक्स स्मॉलर देन जीरो, इज नाइदर वन ऑन वन 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 और ऑन टू। चलिए इसको हम लोग साबित करते हैं कैसे होगा। आंसर इसका हो गया एफ आर सच दैट आर इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू वन इफ x ग्रेटर देन, मैंने बड़ा होगा निगेटिव, हम इसको पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, है ना। हम एक काम करते हैं इसको फ्लाइट मोड में कर देते हैं, फ्लाइट मोड में नहीं किया है, ये आपका हो गया फ्लाइट मोड, डिस्टर्बेंस नहीं होगी क्लास में, फ्लाइट मोड कर दिया। चलिए अब क्लास में डिस्टर्बेंस नहीं होगा, कॉल वगैरह नहीं आएगा, मैसेज नहीं आएगा, क्लास चलेगा आपका। चलिए तो हम लोग चेक करते हैं ऑनटो के केस में, ठीक है। मैंने वन वन यहाँ वन वन पहले चेक होगा, तो हम लोग काम करते हैं हम लोग वन और टू वैल्यू ले लेते हैं, इसके लिए वन होना चाहिए, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए वन और टू बराबर नहीं होते हैं, इसलिए वन वन नहीं होगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़े एफ एक्स में, हम लोग कोई एक वैल्यू थ्री ले लेते हैं, वन जीरो माइनस वन फॉर एलिमेंट माइनस टू इज कोडोमेन लेते हैं आर के लिए, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एक्स डोमेन आर सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस टू हम लेंगे, जहाँ पे एफ एक्स इज नॉट ऑनटो। ये तो आप समझने वाली बात है कि कोई थ्री वैल्यू ले लेंगे, कोई भी तीन वैल्यू जीरो वन जीरो माइनस वन, इन सब के लिए हम लोग एक एलिमेंट टू ले लेते हैं, इनका कोडोमिन है, डज नॉट एग्जिस्ट, जो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, हर बार एफ एक्स का वैल्यू माइनस टू नहीं आएगा, है ना। तो ये ऑनटो हो गया नहीं, मैंने ऑनटो नहीं हुआ, इसलिए सिग्मन फंक्शन नाइदर वन वन और ऑनटो। इस तरह का जो सिग्मन फंक्शन होता है वो आपका ना तो ऑनटो होता है ना ही आपका वन वन होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं सेवन नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेवन इन ये हम लोग ने सिक्स अभी किया, देखते हैं ज़्यादा आगे ना भाग जाए हम लोग, क्वेश्चन एक एक सॉल्व होना चाहिए। ये अच्छा ये फाइव हम लोग ने किया, तो सिक्स हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स है लेट ए इज इक्वल टू वन टू थ्री, बी इज इक्वल टू फोर फाइव सिक्स सेवन, एंड एफ जो है हम लोग ने क्वेश्चन हाँ यहाँ दिया हुआ है, लेट एफ इज इक्वल टू ब्रैकेट में दिया है ना वन फोर कॉमा टू फाइव कॉमा थ्री सिक्स ब्रैकेट क्लोज, है ना, आपके मीडियन ब्रैकेट क्लोज कर दिया है। बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी सो दैट एफ इज वन वन, आपको साबित करना है एफ वन वन होगा। कैसे होगा, देखिए यहाँ पे दो आपको पहले ही ये दिखाई दे रहे सेट दिखाई दे रहे ए और बी, तो इस पे पहले विचार हम लोग करते हैं आंसर को सॉल्व करते समय। गिवन दैट ए इज इक्वल टू वन टू थ्री और बी इज इक्वल टू फोर फाइव सिक्स सेवन, एफ सच दैट ए इम्प्लाइज दैट बी डिफाइंड एज एफ इज इक्वल टू वन, तो वन के लिए फोर है, टू के लिए फाइव है, थ्री के लिए सिक्स है, यानी एफ वन इज इक्वल टू फोर लिख सकते हैं, एफ टू इज इक्वल टू फाइव और एफ थ्री को हम सिक्स लिख सकते हैं। इट इज सीन दैट द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो कि होता है आपका वन वन में, वो एफ में डिस्टिंक्ट हो रहा है, हैंस एफ है जो आपका फंक्शन एफ है वह वन वन हो जाएगा। जैसे वन के लिए फोर, टू के लिए फाइव और थ्री के लिए सिक्स हो रहा है, ठीक है। इस तरह से आपका ये जो फंक्शन हम लोग का है वह वन वन हो जाएगा। चलिए हम लोग सेवन नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन इज वन वन ऑनटो बाइजेक्टिव, ठीक है। चलिए ये आपका लास्ट ही रहेगा, थोड़ी रात भी हो गई, मेरे गले फंस भी रहे, आवाज़ अब साफ नहीं आ रही और वीडियो भी और तीन बनाने हैं, तो एक ही वीडियो में समय नहीं गवा देना है, बाकी सब का भी ख्याल रखना है, इसीलिए ये आपका सातवां नंबर क्वेश्चन ही लास्ट होगा। उसके बाद हम लोग आठ नौ दस ग्यारह बारह
जो है अगले वीडियो में करेंगे। इफ एफ such that r tends to r defined by fx is equal to 3 minus 4x, और इसके बाद दूसरा नंबर है आपका f such that r tends to r defined by fx is equal to 1 plus x square। अब आंसर देखिए इसका क्या है, f such that r tends to r defined as fx is equal to 3 minus 4x, तो हम लोग मानते हैं यहाँ पे दो पॉइंट लेते हैं x1 और x2 जो एलिमेंट r के होंगे, such that fx1 is equal to fx2, तो ये हो जाएगा 3x minus 4x2 और इधर हो जाएगा आपका 3 minus 4x2। अब 3 कैंसिल हो जाएगा, जैसे आप सॉल्व कर सकते हैं मैथ से, तो हम देखते हैं x1 is equal to x2 हो जा रहा है, जो कि 1 का फंक्शन है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, फॉर एनी रियल y, नंबर एक रियल y लिए, आर में एग्जिस्ट करता है, ऐसा एग्जिस्ट करता है कि 3y - y/4 इन सच दैट, इस तरह से है कि एफ 3y - y/4 इज इक्वल टू 3 - 4 × 3 - y/4, ये y के बराबर हो जाएगा, यानी ये ऑन्टो भी हो गया। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मुझे इसके लिए खेद है कि मैं आगे आपको नहीं बता पा रहा हूँ, हिंदी में भी वीडियो बनेगा आपका, है ना। चलिए इसको ख़त्म कर देते हैं क्योंकि ये अब ज़्यादा नहीं रह गया, दो नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर देख लेंगे। यानी देखिए, जब ऑन्टो और 1-1 दोनों ही फंक्शन होता है तो इसको हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं, याद रखिएगा, कोई फंक्शन ऑन्टो और 1-1 दोनों होता है तो उसको बाइजेक्टिव कहते हैं। चलिए तो दो नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, साथ में का नंबर दो नंबर क्वेश्चन है, जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। एफ टेंस सच दैट आर टेंस टू आर इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया गया इसको क्वेश्चन में, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x² इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट एक्स वन और एक्स टू दो लेंगे, है ना, और हम लोग को साबित करना है एफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ एक्स टू, तो फिर उसी तरह से सॉल्व करेंगे हम लोग, 1 + x² + 1 + x² तो x² इज इक्वल टू x² हो जाएगा, और रूट ले लेंगे तो प्लस माइनस करके बराबर हो रहा है, तो ऐसे में देख लीजिएगा तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है आप समझ रहे हैं, माइनस वाला एक केस आ गया, जब दोनों पूरा पूरी बराबर आएगा तभी जा करके एग्जिस्ट करता। ठीक है, मैंने हमेशा x1 और x2 जो है बराबर होना चाहिए। तो फॉर इंस्टेंस अब हम लोग क्या करते हैं, माइनस वन ले लेते हैं, f(-1) = -1 = 2, तो ये 1-1 भी नहीं हुआ क्योंकि हम लोग -1 और 1 को बराबर नहीं कर सकते हैं। कंसिडर करते हैं 2 जो कोडोमेन है -2 आर का, इसके लिए हम लोग क्या कहते हैं, fx = 1 - x² को पॉजिटिव, हम जानते हैं पॉजिटिव वैल्यू होगा सभी आर के लिए, इसलिए कोई ऐसा एग्जिस्टेंस होगा ही नहीं एक्स का डोमेन में जो आपका fx = -2 हो सकता है, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता है, इसलिए fx जो है ऑन्टो नहीं होगा। ये क्लियर हो गया कि ये जो फंक्शन इस तरह का होगा आपका fx = -1 - x² नहीं 1-1 होगा, नहीं ऑन्टो होगा। ठीक है, अब आपका 8, 9 और क्या बोलते हैं आपका ये, इसके बाद आपका 10 नंबर होगा, ये 12 आ गया लास्ट वाला क्वेश्चन, इससे 12 नंबर तक क्वेश्चन तक ये आपका 1.2 एक्सरसाइज है, जिसको हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगला वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो हिंदी में रहेगा, उसको ध्यान से समझेंगे एक एक बात को, और इसको नोट डाउन करेंगे और अभ्यास करेंगे, तो सो दैट कीप लर्निंग एंड प्रिपेयर सो दैट कीप लर्निंग एंड प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन, योर एग्जामिनेशन शुड बी वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर योर लाइफ, एग्जामिन योर सेल्फ कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूटी शुड बी मस्ट, प्रिपेयर टाइम टेबल टू फॉलो स्ट्रिक्टली, अपने लिए एक टाइम टेबल बनाए और उसको बहुत स्ट्रिक्टली पालन करिए, कोई मुश्किल नहीं होता 12th क्लास में पास करना, मेहनत करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए और अच्छा रिजल्ट होगा। चलिए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।